बात करें यहाँ से अगर आप ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का अक्टूबर वायदा 10,851 पर कारोबार कर रहा है, 3% का अपर सर्किट लग चुका है। और ग्वार सीड का अक्टूबर वायदा देख रहे हैं 6,095 पर कारोबार कर रहा है 2% की तेजी के साथ। देख रहे हैं कि आज भी ग्वार गम और ग्वार सीड का जो वायदा बाजार है वो एक तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ग्वार गम में 10,500 10,800 का एक अहम सपोर्ट लेवल था, जो कि 10,500 का तो लेवल कल ही ब्रेक हो गया और आज देख रहे हैं कि 10,800 का भी लेवल ब्रेक हो गया। अगर इन लेवल्स पर सस्टेनेबिलिटी बनती है और डेली बेसिस पर क्लोजिंग होती है तो ग्वार की जो कीमतें हैं वो धीरे धीरे 11,000 के आंकड़ों की ओर जाती हुई नजर आएंगी। और अगर 11,200 11,300 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजय के मुताबिक ग्वार गम की जो कीमतें हैं 12,000 का भी लेवल दिखलाती हुई नजर आ पाएंगी। तो ग्वार गम में ओवरऑल रुझान तेजी का ही है, क्योंकि इस बार ग्वार की जब बुआई का समय चल रहा था उस समय मानसून की गतिविधियां ज़्यादा देखने को मिली थी, भारी बारिश का दौर ज़्यादा देखने को मिला था, जिसकी वजह से ग्वार की जो बुआई है बिल्कुल नाह के बराबर हो पाई है। मुख्य उत्पादक राज्यों में ग्वार की बुआई इस बार नहीं हो पाई है। और इस बार जो जानकार आंकड़ा बता रहे हैं, जो आकलन किया जा रहा है ग्वार के उत्पादन का, वो लगभग 20 से 25 लाख बोरी का किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल ग्वार का उत्पादन 50 से 60 लाख बोरी का देखा गया था, यानी कि 45 से 50% इस बार चालू सीजन में ग्वार का उत्पादन कम रह सकता है। दूसरा, ग्वार की इंडस्ट्रियल डिमांड भी ठीक ठाक निकल के सामने आ रही है और ग्वार का जो पुराना स्टॉक था अब वो धीरे धीरे वो खपता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ग्वार की कीमतों में तेजी बनती हुई नजर आ रही है। बात करें यहाँ से ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड में भी जो जानकार हैं वो तेजी का ही रुझान बता रहे हैं। ग्वार सीड में भी 6200 6300 के भी लेवल्स एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल रुझान ग्वार की कीमतों में अभी तेजी का ही देखने को मिलता रहेगा।